स्विच का कैरेक्टरिस्टिक, ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले स्विच का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्विच का डिस्पोजल पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले पिछले क्लास में हम स्विच का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे स्विच डिस्पोजल के बारे में, ठीक है। तो स्विच का डिस्पोजल से पहले हम स्विच का कंपोजिशन, स्विच के अंदर जनरली क्या क्या रहता है ऑलरेडी मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, तो स्विच कंपोजिशन के बारे में क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम, ठीक है। द स्विच द कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर वेरी वाइडली, दिस इज द पार्शियल लिस्ट ऑफ क्विक में कंटेंट। स्विच में जनरली 99% वाटर रहता है और 1% या 0.01% सॉलिड रहता है, ठीक है। स्विच में और क्या रहता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक कंटेंट, इनऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट में क्या क्या आता है, ऑर्गेनिक में ह्यूमन फेसेस, हेयर, फूड, फूड वेस्ट, पेपर वेस्ट, प्लांट, ट्री ब्रांचेस, मटेरियल, ह्यूमस एक्सेट्रा, ये सब ऑर्गेनिक पार्टिकल में रहता है। सोल्यूबल ऑर्गेनिक पार्टिकल जैसे कि यूरिया, फ्रूट, शुगर, सोल्यूबल प्रोटीन, फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट है, आफ्टर दैट इनऑर्गेनिक पार्टिकल, इनऑर्गेनिक पार्टिकल में जैसे सैंड, मेटल पार्टिकल, सिरामिक एक्सेट्रा, ये सब रहता है। तो हम स्केमेटिक डायग्राम के अगर हम देखेंगे जो टोटल अगर 100% के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे तो इसी टाइप का स्केमेटिक डायग्राम आएगा पिक्चर में, जैसे कि हम देख पाएंगे 23% ऑर्गेनिक, 15% पेपर, 9% प्लास्टिक, रबर, टिम्बर, ठीक है, पोटेंशियल मेटल, टेक्सटाइल, पोटेंशियली हैजर्डस मटेरियल, ठीक है। तो ये सारा अलग अलग जो अलग अलग कंपोनेंट है कितना परसेंटेज, जैसे ऑर्गेनिक परसेंटेज थोड़ा बहुत ज्यादा है, 23% ऑर्गेनिक मैक्सिमम रहता है, 23 या 28%, उसके बाद रबर, टिम्बर, प्लास्टिक थोड़ी बहुत रहता है, मेटल, नॉन मेटल, नॉन फेरस मेटल, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपोजिशन है, स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में हम थोड़ा बहुत आइडिया लग जाते हैं, याद रखने में स्कीमेटिक डायग्राम हम बना लेंगे तो याद रखने में बहुत ही सुविधा है, हम याद रह जाते हैं। तो ये है हमारा कंपोजिशन ऑफ सीएस, ये स्कीमेटिक डायग्राम। दोनों डायग्राम है और स्वीएस के लिए ये है क्योंकि स्वीएस का एक पार्टिकुलर कंटेंट तो नहीं है, कुछ वेरी करता है, कुछ कुछ स्वीएस में 23% ऑर्गेनिक, 28% ऑर्गेनिक, तो थोड़ा बहुत वेरी रहता है, वेरिएबल रहता है, ठीक है। तो ये तो फिक्स नहीं है कि स्वीएस में जो 28% ऑर्गेनिक रहेगा ऐसे नहीं, कभी कोई स्वीएस में 23% रहेगा, 25% रहेगा, 28% रहेगा, तो थोड़ा बहुत परसेंटेज फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। इसीलिए आपने अप्रोक्सीमेट एक रेंज फिक्स करो, जैसे कि ऑर्गेनिक अगर 20 to 25 या 23 to 28, ठीक है, इसी परसेंटेज में रहता है। तो दोनों ही स्वीएस का स्कीमेटिक डायग्राम। उसके बाद सोल्यूबल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सोल्यूबल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि एमोनिया वगैरह हो गया, सॉल्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, थायोसल्फेट, थायोसायनाइड, ये सब सोल्यूबल इनऑर्गेनिक मटेरियल। एनिमल्स जैसे कि प्रोटोजोआ, इंसेक्ट, स्मॉल फिशेस, ठीक है, ये सब रहता है। माइक्रो सॉलिड जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स, नीडल, सिल्ड्रन, स्ट्रॉय, डेड एनिमल, प्लांट, ठीक है, ये सारा कंपोजिशन ऑफ स्वीएस क्या क्या जनरली स्वीएस में रहता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट, व्हाट इज स्वीएस डिस्पोजल। द डिस्पोजल ऑफ स्वीएस बाय सुइटेबल मेथड विथ और विदाउट ट्रीटमेंट इज नोन एज स्वीएस डिस्पोजल। तो ये जो हम ये है, ये पहले स्वीएस डिस्पोजल की पहले हम कंपोजिशन देख लेंगे, कंपोजिशन के बाद आप देखते हैं स्वीएस डिस्पोजल। तो स्वीएस डिस्पोजल का डेफिनेशन क्या है, द डिस्पोजल ऑफ स्वीएस बाय सुइटेबल मेथड विथ और विदाउट ट्रीटमेंट। हम स्वीएस को
ट्रीटमेंट करके भी डिस्पोजल कर सकते हैं और विदाउट ट्रीटमेंट करके भी डिस्पोजल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वेज एंड द डिस्पोजल पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स। स्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्पोजल पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस करके हम स्वेज को ट्रीटमेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, स्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्पोजल पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्वेज डिस्पोजल, स्वेज डिस्पोजल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहले देखो, स्वेज में कॉन्टामिनेट द पोर्टेबल वाटर सप्लाई एंड सब सर्फेस वाटर इफ नॉट डिस्पोज प्रॉपरली। स्वेज को हम अगर प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं करेंगे, अगर स्वेज का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो अगर प्रॉपरली नहीं मेंटेन करेंगे हम, तो स्वेज का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो पोर्टेबल वाटर सप्लाई को कॉन्टामिनेट कर सकते हैं, दूसरी वजह ग्राउंड वाटर जो है ग्राउंड वाटर का भी कॉन्टामिनेट कर सकते हैं, इसीलिए स्वेज को बहुत ही प्रॉपर वे में डिस्पोजल करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर वन। नंबर टू, स्वेज कॉजेस ऑर्डर एंड न्यूसेंस इफ नॉट प्रॉपरली डिस्पोज। ठीक है, स्वेज अगर प्रॉपरली हम डिस्पोज नहीं करेंगे तो बहुत ही बैड स्मेल बैड ऑर्डर क्रिएट करेगा और जो हमारा सराउंडिंग रेजिडेंशियल एरिया या कोई कॉमर्शियल एरिया उसमें अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट करेगा, नंबर टू। नंबर थ्री, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश एंड अदर एक्वाटिक लाइफ इज प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर डिस्पोजल पॉइंट। अगर हम कोई प्रॉपर डिस्पोजल पॉइंट में नहीं, जैसे कि कोई डिस्पोजल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये जो है कोई वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स में अगर मान लो कोई रिवर या कोई लेक में अनप्लानिंग वे में अगर हम डिस्पोजल कर देंगे तो उस वाटर बॉडी में जो भी फिश है, एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक लाइफ है, वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, नंबर थ्री। नंबर फोर, द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर डिस्पोजल। अगर प्रॉपरली हम स्वेज को डिस्पोजल नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, नंबर फोर। नंबर फाइव, द अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू ए स्वेज डिपेंड अपॉन वेरी मच सोर्स ऑफ डिस्पोजल, इट्स क्वालिटी, कैपेसिटी टू टॉलरेंस द इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन द स्वेज डिस्पोजल। फर्स्ट नंबर पॉइंट है, अगर स्वेज ट्रीटमेंट स्वेज जो ट्रीटमेंट कितने अमाउंट ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट देंगे वो डिपेंड करेगा डिस्पोजल पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया डिस्पोजल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कितने अमाउंट ऑफ हम स्वेज ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, और स्वेज डिस्पोजल पॉइंट का कैपेसिटी, उसको डिस्पोजल पॉइंट का क्या है, ज्यादा अमाउंट ऑफ स्वेज का वो अपने आप एकोमोडेट कर लेता है। ठीक है, लोड लेने की कैपेसिटी, ठीक है, स्वेज लोड लेने का कैपेसिटी अलग अलग डिस्पोजल पॉइंट का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस, एक है कॉन्टामिनेट करेगा, वाटर पोल्यूशन करेगा, दूसरी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करेगा, तीसरी ऑर्डर न्यूसेंस क्रिएट करेगा जो यह है सराउंडिंग एरिया में, तीसरी है वाटर बॉडी में जो एक्वाटिक लाइफ है उसके ऊपर थ्रेट आ सकता है, चौथी है हमारा ट्रीटमेंट कितने अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट देना चाहिए कोई स्वेज को वो डिटरमिन करेगा स्वेज डिस्पोजल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यह है हमारा स्वेज डिस्पोजल पॉइंट का डिस्पोजल का एफिशिएंसी। आप देखते हैं स्वेज डिस्पोजल का क्या क्या मेथड है, मेनली दो मेथड है स्वेज डिस्पोजल का, एक है डिस्पोजल बाय डायल्यूशन, दूसरी है डिस्पोजल बाय लैम। ठीक है, दैट इज एक मेथड में है स्वेज को डिस्पोजल करने की किसी भी वाटर बॉडी में, जैसे कि रिवर, लेक, सी। ठीक है, और दूसरी मेथड है डिस्पोजल इन लैंड। ठीक है, किसी खाली जमीन पे हम डिस्पोजल करेंगे। ठीक है, एक लैंड डिस्पोजल, एक है डिस्पोजल बाय डायल्यूशन, ठीक है, और डिस्पोजल इन वाटर, मेनली दो मेथड, पहले मेथड डिस्पोजल बाय डायल्यूशन, दूसरी मेथड डिस्पोजल बाय लैंड डिस्पोजल। पहले देखते हैं डिस्पोजल बाय डायल्यूशन। So what is disposal by dilution? The disposal of raw or treated sewage. The disposal of raw or treated sewage by discharging it into a natural source such as river, stream, lake, sea is known as disposal by dilution. Okay. अगर sewage को हम either treated sewage या raw sewage, अगर हम directly river या stream या कोई lake में कोई भी water body में हम disposal कर देंगे तो उसी method को कहते हैं disposal by dilution. तब ये एक क्वेश्चन आ सकता है, जब हम अगर स्वेज को विदाउट ट्रीटमेंट करके अगर हम वाटर बॉडी में डिस्पोजल कर देंगे तो उसको तो वाटर पोल्यूशन होगा, तो उस वाटर बॉडी का तो लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, वाटर बॉडी नहीं रहेगा, तो उसमें उसका क्या सोल्यूशन है।
ये क्वेश्चन आ सकता है, जब आप सर आप तो बोल रहे हैं कि हम विदाउट ट्रीटमेंट करके स्वेज को हम किसी भी वाटर बॉडी में डिस्पोजल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम विदाउट ट्रीटमेंट करके ट्रीटमेंट के बिना ही कोई स्वेज में कोई वाटर बॉडी में डिस्पोजल करेंगे तो वाटर बॉडी का तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, या वाटर बॉडी धीमे धीमे क्या है, वाटर बॉडी खत्म हो जाएगा, ठीक है, वाटर पोल्यूशन वो यूजेबल नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक इन्वायरमेंटल प्यूरिफिकेशन रहता है हर वाटर बॉडी का, एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन रहता है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन मतलब है किसी भी वाटर बॉडी में जब कोई पोल्यूशन आता है तो उनमें बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस होता है जो क्या करेगा, उस जो स्वेज जो पोल्यूटिंग इलामेंट है वो इलामेंट को वाटर बॉडी से रिमूव कर देगा। नेचुरल प्रोसेस है ये, बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस है वो हम एक एक करके देखेंगे। इसीलिए जब भी हम वाटर वाटर को किसी स्वेज को किसी वाटर बॉडी में डिस्पोजल करेंगे तो क्या करेगा, वाटर बॉडी उस जो स्वेज है, स्वेज को वो जो पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट को धीरे धीरे उसी वाटर बॉडी से रिमूव कर देगा। इसी जो प्रोसेस है इसी कहते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। ये जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस अगर किसी वाटर बॉडी के नेचुरल वाटर का नहीं रहता है तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस डिस्पोजल के बाद वो कुछ टाइम के बाद वो वाटर बॉडी ब्लॉक हो जाएगा, वाटर बॉडी यूज करने के लिए नहीं रहे कंडीशन में नहीं रहेगा, यूजेबल कंडीशन में नहीं रहेगा। तो ये ऐसा नहीं होते, इसीलिए ये जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी वाटर बॉडी में सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस रहता है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जब भी कोई वाटर बॉडी में कोई भी पोल्यूटेंट आता है उस वाटर बॉडी अपने आप उस पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए रिमूव कर देता है, ठीक है। इसी टाइप का डिस्पोजल देख पाओगे इसी रिवर में, ठीक है, बहुत सारे जो भी इंडस्ट्री, इसीलिए देखो बहुत सारे जो भी इंडस्ट्रियल जो डिस्पोजल पॉइंट है वो जाना रिवर के पास ही कॉन्स्ट्रक्ट होता है, ठीक है, रिवर किसी वाटर बॉडी के पास होता है, जाना भी रिवर नहीं, इसी बाय जनरल किसी वाटर बॉडी के पास ही कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह हो, कोई भी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ठीक है, जनरली हम वाटर बॉडी के, लार्ज वाटर बॉडी के नजदीकी हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। यह है डिस्पोजल बाय डायल्यूशन, इसी वाटर बॉडी में हम स्वेज को डिस्पोजल कर रहे हैं। अभी देखते डिस्पोजल बाय डायल्यूशन, ये जो कंडीशन, ये जो मेथड है हम कब ये अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। किसी ऐसा नहीं है कि हर टाइम हम डिस्पोजल बाय डायल्यूशन करेंगे, डिस्पोजल बाय डायल्यूशन करने के लिए करने का जो फेवरेबल कंडीशन है, कौन सी कंडीशन में हम ये मेथड को अडॉप्ट करेंगे वो उसका कोई गाइडलाइन कुछ पॉइंट है। पहले है व्हेन स्वेज कंपैरेटिवली फ्रेश, जो स्वेज है वो कंपैरेटिवली फ्रेश है, जैसे कि 4-5 घंटा पुरानी है, ठीक है, एंड फ्री फ्रॉम फ्लोटिंग और सेटलेबल सॉलिड, उसमें उस स्वेज में कोई सेटलेबल या फ्लोटिंग सॉलिड नहीं रहेगा, तब तो हम इसको डिस्पोजल बाय डायल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन द डायल्यूटिंग वाटर हैज हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो भी हम देखो ये जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऐसा नहीं है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ज्यादा लोड आ जाता है किसी भी रिवर के ऊपर, अगर ज्यादा लोड आ जाएगा तो क्या करेगा वो, पहले पहले काम है वो अपने आप सेल्फ प्यूरिफिकेशन तो करेगा, लेकिन वो उसका भी एक कैपेसिटी रहता है, ठीक है, जो लोड को उसका कैपेसिटी, उस कैपेसिटी से ज्यादा अमाउंट ऑफ अगर वहां पे स्वेज डिस्पोजल करेंगे तो वो रिवर का खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कोई इनफाइनाइट टाइम लोड ले सकते हैं, किसी भी बॉडी का एक कैपेसिटी होता है। मान लो किसी रिवर का कैपेसिटी 5 किलो स्वेज ले सकता है, लेकिन उसमें तुम 50 किलो अगर वहां पे डिस्पोजल कर दोगे तो रिवर क्या करेगा, वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन का अपना जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो बहुत सारी वाटर बॉडी को देखोगे वो अपने आप स्वेज डिस्पोजल के बाद से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए जब हम डिस्पोजल करेंगे ना, तब स्वेज वाटर बॉडी का कैपेसिटी हम चेक करेंगे, वाटर बॉडी और स्वेज का कैरेक्टर, स्वेज का जो लोड है, स्वेज लोड भी हम चेक करेंगे, उसके बाद हम डिटरमिन करेंगे उसमें ट्रीटमेंट देंगे या ट्रीटमेंट नहीं देंगे,
ट्रीटमेंट करने का यह मतलब नहीं है पूरा का पूरा जो स्वेज है स्वेज प्यूरीफाई कर देंगे, ये ट्रीटमेंट करने का यह मतलब नहीं है। ट्रीटमेंट करने का मतलब है उसमें जो स्वेज में जो भी पोल्यूटेंट है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, पोल्यूटेंट को रिड्यूस करना, रिड्यूस टू ए परमिसिबल लिमिट दैट कैन अडॉप्ट कोई भी दैट पर्टिकुलर डिस्पोजल पॉइंट। ठीक है, हम लोड को जैसे कि एक स्वेज का स्वेज लोड किसी डिस्पोजल पॉइंट का लोड है 5 5 किलो ले सकते हैं, और स्वेज के अदर स्वेज का जो लोड है 50 केजी, तो अब हम ट्रीटमेंट करके क्या करेंगे 50 केजी को 5 केजी में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद डिस्पोजल करेंगे। ठीक है, हाँ इसीलिए आप देखो अभी जो नया रेगुलेशन आया है इसीलिए आप देखो कि रिवर में बिल्कुल नील, जैसे कि बहुत सारी जो गाइडलाइन आया है, गाइडलाइन है सीपीसीपी का गाइडलाइन या कोई जो वेस्ट वाटर डिस्पोजल मैनेजमेंट जैसे क्या हो गया, ठीक है, ये जो मैनेजमेंट सिस्टम का जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, गवर्नमेंट अभी किसी भी रिवर में किसी भी स्वेज को डिस्पोजल करने के लिए में बिल्कुल ही बहुत ही वो जो परमिसिबल लिमिट है बहुत ही कम कर रखा है, या कोई कोई इंडस्ट्री के लिए जीरो डिस्चार्ज, ठीक है, जीरो डिस्चार्ज होना चाहिए, जीरो वहाँ पे स्वेज पोल्यूटेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से हम किसी रिवर को पूरा पोल्यूटेंट कर दिया, अभी अगर दोबारा अगर उसके ऊपर अगर पोल्यूटेंट वहां पे हम डिस्पोजल करेंगे तो रिवर का तो रिवर रहेंगे ही नहीं, ठीक है, रिवर पूरा बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये है दो नंबर कंडीशन है, डायलोटिंग जो रिवर है, डायलोटिंग जो वाटर है उसमें हाई डीओ कंटेंट होना चाहिए, डीजल बॉक्स के कंटेंट अगर हाई रहेगा तो उसको स्वेज लोड टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा अमाउंट ऑफ स्वेज लोड टेक ले सकता है। नंबर 3, व्हेयर डायलोटिंग वाटर आर नॉट यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ नेविगेशन ऑन द डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्वेज डिस्पोजल, ठीक है, जहां पे हम स्वेज डिस्पोजल कर रहे हैं उसका जो डाउन स्ट्रीम एंड है, डाउन स्ट्रीम एंड में का जो वाटर है वो नेविगेशन पर्पस के लिए यूज नहीं होता, ठीक है, नेविगेशन क्योंकि कोई अगर नेविगेशन पर्पस के लिए यूज होता है तो वहां पे हम स्वेज डिस्पोजल नहीं कर सकते, ठीक है, नेविगेशन में बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। आफ्टर दैट व्हेन द आउटफॉल स्वीयर ऑफ द सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट इज सिचुएटेड नियर सम नेचुरल वाटर हैविंग लार्ज वॉल्यूम, ठीक है, वो जो डिस्पोजल पॉइंट में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर होना चाहिए तब भी ये फेवरेबल कंडीशन है डिस्पोजल पर डायलूशन करने के लिए। ठीक है, अगर डायलूटिंग वाटर अगर ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो उसका लोड अपने आप कम हो जाएगा। Where the flow current of the diluting water are favorable, causing no deposition, nuisance or destruction of aquatic life, ठीक है, कोई aquatic life के ऊपर ज्यादा threat नहीं आना चाहिए, ठीक है, जैसे fish वगैरह हो गया, aquatic aquatic animal, aquatic plant, ये सब के ऊपर ज्यादा threat नहीं आना चाहिए। तो ये सारा favorable condition है जिस condition में हम sewage को by dilution में disposal कर सकते हैं। आप देखते हैं कुछ standard लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ डाइल्यूशन फॉर डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इनटू रिवर, ठीक है, रिवर में डिस्कस करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है। देखो डायलूटिंग वाटर जहाँ पे जिस वाटर में नेविगेशन चलता है ना, नेविगेशन पर्पस के लिए हम जब रिवर को यूज करते हैं, ऐसा नहीं है जो जहाँ पे नेविगेशन चल रहा है उससे आप इसी में कोई स्वेज डिस्पोजल पॉइंट है, तो अगर वो उसमें स्वेज डिस्पोजल पॉइंट है जो वाटर क्वालिटी खराब हो जाएगा, ठीक है, और में बहुत सारी अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट होगा तो नेविगेशन में क्या होगा, नेविगेशन में दिक्कत आएगा ना, ठीक है, जहाँ पे हम नेविगेशन कर रहा है उसके आप स्ट्रीम एंड में कोई स्वेज डिस्पोजल पॉइंट नहीं होना चाहिए, उसका डाउन स्ट्रीम एंड में हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मान लो एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये इसी पॉइंट में नेविगेशन चल रहा है, नेविगेशन पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, कोई यहाँ पे नेविगेशन चल रहा है, तब हम क्या करेंगे इस डाउन स्ट्रीम एंड में हम स्वेज को डिस्पोजल कर पाएंगे, यहाँ पे डिस्पोजल करेंगे तो ये अपस्ट्रीम एंड का वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यह भी नदी ऐसे बह रहा है, ठीक है,
ये ऑर्डर इसी डिरेक्शन में ऑर्डर फ्लो हो रहा है, तो हम डाउन स्ट्रीम एंड में हम क्या करेंगे ऑर्डर का स्विच को डिस्पोजल करें, लेकिन आप स्ट्रीम में यहाँ पे कोई स्विच डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे नेविगेशन चल रहा है, इसी पॉइंट में नेविगेशन चल रहा है, तो उसका आप स्ट्रीम एंड में कोई स्विच डिस्पोजल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्पोजल करेंगे तो यहाँ का वाटर क्वालिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशन वाटर क्वालिटी खराब हो जाएगा और बहुत सारी बैड स्मेल क्रिएट होगा, अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट होगा। तो ये नेविगेशन के लिए जो भी नेविगेशन में काम करता है उसके लिए थ्रेट बन सकता है। अब देखते हैं कुछ गाइडलाइन है, जैसे कि रॉयल कमीशन रिपोर्ट ऑन स्वेज डिस्पोजल, स्वेज डिस्पोजल बाय डायलूशन, स्वेज को डायलूशन में डिस्पोजल करने के लिए ये सारा गाइडलाइन हम यूज करेंगे। ये गाइडलाइन है, गाइडलाइन इज बेस्ड ऑन द रॉयल कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। डायलूशन फैक्टर, अगर किसी कहाँ पे कोई जगह पे डायलूशन फैक्टर अगर 500 से ज्यादा है तो उसके लिए उस स्वेज को ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम वहाँ पे नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, रॉ स्वेज कैन बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द वॉल्यूम ऑफ डायलूशन वाटर, ठीक है। जब भी डायलूशन, मान लो डायलूशन है 500, एक स्वेज अगर 1 लीटर स्वेज है, मतलब स्वेज 1 लीटर है और वहाँ पे 500 लीटर अगर कोई वाटर फ्रेश वाटर रहता है तो उसमें उसका डायलूशन फैक्टर 500 है, तो अब क्या अगर 500 है उसके ऊपर से हो तो कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ऐसे डिस्पोजल कर सकते हैं। अगर डायलूशन फैक्टर 300-500 है तो फिर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसे फ्लेंस एलिमिनेशन ये सब देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिस्पोजल कर पाएंगे। अगर डायलूशन फैक्टर 150-300 के आसपास रहेगा तब हम ट्रीटमेंट जैसे सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग, केमिकल प्रेसिपिटेशन ये सारा प्रोसेस हम दे पाएंगे, देना जरूरी है, उसके बाद ही हम डिस्पोजल कर पाएंगे। अगर डायलूशन फैक्टर लेस देन 150 होगा तब कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट जो स्वेज ट्रीटमेंट प्रोसेस है, कंप्लीट ट्रीटमेंट देने के बाद ही हम स्वेज को वहाँ पे डिस्पोजल पॉइंट में डिस्पोज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है डायलूशन फैक्टर डिपेंड करेगा स्वेज का कितना अमाउंट ऑफ वहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल है, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा डायलूशन फैक्टर, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके हम यहाँ पे अगर डिटर्मिन करके उसके बाद हम क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस देंगे उसको डिटर्मिन करेंगे, ठीक है। डायलूशन फैक्टर है ना, डायलूशन फैक्टर मान लो कोई जगह पे 1 लीटर स्वेज को हम 500 लीटर वाटर में डिस्पोजल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका डायलूशन फैक्टर 500 है। 1 लीटर वाटर का 1000 लीटर वाटर में डिस्पोजल कर रहा है, 1000 लीटर फ्रेश वाटर में डिस्पोजल कर रहा है, तो उसका डायलूशन फैक्टर क्या होगा, 1000 होगा, ठीक है। कितने अमाउंट ऑफ वाटर में डिस्पोजल कर रहा है तो उसका जो रेशियो है, ठीक है, उसका जो रेशियो है वो है डायलूशन फैक्टर। तो डायलूशन फैक्टर डिटरमिन करने के बाद अगर ये 500 से ज्यादा है तो कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, 300-500 है, प्राइमरी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, और 150-300 के ऊपर डिपेंड करेगा उस प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लस और भी कोई केमिकल स्क्रीनिंग, केमिकल प्रेसिपिटेशन ये सब देना पड़ेगा। अगर उस जो डायलूशन फैक्टर 150 से कम है तो कम्प्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो यह है गाइडलाइन, इतने अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द डायलूशन फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन द फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द वेट इन द वाटर बॉडी। ठीक है, तो ये है रॉयल कमीशन रिपोर्ट। अब देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS हैज लेड डाउन दिस गाइडलाइन स्टैंडर्ड फॉर स्वेज इक्विपमेंट, इसका IS 4764 फॉर ये है स्वेज के लिए ये कोड है IS 4764 और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए IS 2490, जो म्यूनिसिपल स्वेज है उसको डिस्पोजल पॉइंट के लिए जो गाइडलाइन दिया हुआ है वो गाइडलाइन है हमारा IS 4764 और जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए IS 2490, ये दोनों को देखते ही उसके बाद ही हम डिस्पोजल करेंगे। दिस टॉलरेंस लिमिट आर सपोज टू बी नेशनल गाइडलाइंस फॉर गाइडिंग द वेरियस स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर प्रिस्क्राइबिंग देयर लीगली इन्फोर्सेबल स्टैंडर्ड डिपेंडिंग ऑन द वाटर क्वालिटी एंड द डायलूशन अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव वाटर सोर्स। वाटर क्वालिटी और डायलूशन अवेलेबल इन द वाटर सोर्स, उसके बाद ही यहाँ पे हम ये जो गाइडलाइन है
इसी कोड में जो गाइडलाइन दिया हुआ है उसको हम फॉलो करते हुए स्वेज को डिस्पोजल करेंगे, ठीक है। और एक है, दिस स्टैंडर्ड हैज आल्सो बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल, जो 1986 में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल आया था उसमें भी यह नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो इसीलिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्वेज डिस्पोजल करने से पहले हम गाइडलाइन को पूरा ध्यान से फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम एनवायरमेंटल को पोल्यूशन फ्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें गाइडलाइन के अनुसार ही चलना पड़ेगा मोटर मीडिया, ठीक है। इसमें सीपीसी भी काम करते हैं और भी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम करता है, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है, जैसे कि बीआई स्टैंडर्ड फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इन द सरफेस वाटर सोर्स एंड पब्लिक सीवेज, ठीक है। तो इसमें कुछ लिमिट दिया हुआ है, और जैसे कि बीओडी 5 के बारे में अगर देखेंगे तो सीवेज का अगर बीओडी 5 कोई सरफेस वाटर में IS 4764 के अकॉर्डिंग हम बीओडी 220 मिलीग्राम पर लीटर में हम रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम डिस्पोजल कर पाएंगे। किसी भी सीवेज में अगर बीओडी 20 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज्यादा है बीओडी 5 वैल्यू, तब उसको हम डिस्पोजल नहीं कर पाएंगे, उसको पहले बीओडी 5 का वैल्यू 20 मिलीग्राम पर लीटर से कम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको डिस्पोजल वाटर बॉडी में डिस्पोजल कर पाएंगे। सिमिलरली अगर कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को डिस्पोजल करेंगे, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को दो डिस्पोजल पॉइंट है, एक है इनलैंड सरफेस वाटर को डिस्पोजल करेंगे और एक पब्लिक सीवर। सरफेस वाटर को डिस्पोजल करने के लिए जो IS कोड है IS 4290 और पब्लिक सीवर में डिस्पोजल करने के लिए 3306। तो सरफेस वाटर में डिस्पोजल करने के लिए बीओडी वैल्यू जो है बीओडी 5 का वैल्यू है वो 30 मिलीग्राम के आसपास होना चाहिए, और पब्लिक स्वीयर में डिस्पोजल करेंगे तो 500 मिलीग्राम पर लीटर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बता सकते हैं यहाँ पे 20 और 30 है, लेकिन पब्लिक स्वीयर के लिए 500 क्यों है, किसी का कोई आइडिया? इतना ज्यादा क्यों है, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 20 पब्लिक स्वीयर में अगर डिस्पोजल करेंगे, पब्लिक स्वीयर में अल्टीमेटली जाकर कोई ना कोई तो ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। पब्लिक स्वीयर में अगर हम डिस्पोजल करेंगे तो उसके लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ बीओडी 5 वैल्यू होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाद में जाकर डिस्पोजल और भी ट्रीटमेंट होने वाला है, ठीक। उसी तरह का सारे पैरामीटर जो भी हर एक जो पैरामीटर है बीओडी सीओडी पीएच जो भी पैरामीटर है, हर एक पैरामीटर का परमिसिबल लिमिट यहाँ पे दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम स्वेज को डिस्पोजल करेंगे टू प्रिवेंट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारा पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें गाइडलाइन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। और भी आर्सेनिक कैडमियम बहुत सारी पैरामीटर है, ठीक है। ये जो कोड में देखोगे ना और भी बहुत सारी पैरामीटर है, ये कुछ पैरामीटर मैंने यहाँ पे दे रखा है। अब देखते हैं डिस्पोजल ऑफ स्वेज इन द स्ट्रीम, ठीक है। तो स्वेज को स्ट्रीम में डिस्पोजल करने के बाद क्या क्या जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है, वो डिस्पोजल करने के बाद वाटर बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस है वो हम डिस्पोजल करेंगे। वाटर बॉडी कैसे अपने आप उसको एकोमोडेट करते हैं, ठीक है। किसी हर एक वाटर बॉडी के जैसे किस लोड टेकिंग कैपेसिटी रहता है, उस पोल्यूशन लोड को वो कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में हम डिस्पोजल करेंगे। तो पहले है डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन द स्ट्रीम एंड रिवर। पहले है गहोइन स्वेज डिस्चार्ज इन द नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर, द रिसीविंग वाटर गेट पोल्यूटेड ड्यू टू वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द स्वेज एफ्लुएंट। स्वेज एफ्लुएंट में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके वजह से वाटर बॉडी का
जो नेचुरल वाटर बॉडी का जो वाटर है, रिसीविंग वाटर, वो पोल्यूशन है। पहले बात तो पोल्यूशन है, उसके बाद क्या है, द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द स्वेज गेट ऑक्सीडाइज बाय द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। तो जैसे द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द स्वेज गेट ऑक्सीडाइज बाय द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। तो वाटर बॉडी में, फ्रेश वाटर में जनरल डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है, तो स्वेज के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन और वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। उसी वजह से क्या होता है, द वाटर क्वालिटी और भी डिग्रेड होगा, ठीक है। बट लेकिन ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद क्या है, बट द कंडीशन डू नॉट रिमेन सो फॉर इवर बिकॉज द नेचुरल फोर्सेस ऑफ प्यूरिफिकेशन सच एज डायल्यूशन, सेडिमेंटेशन, डायल्यूशन, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन सनलाइट एक्सेट्रा गो ऑन एक्टिंग अपॉन द पोल्यूशन इलामेंट एंड ब्रिंग बैक द वाटर इन टू द ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का जो कंपोनेंट है, एक है डायल्यूशन, ज्यादा अमाउंट में डायल्यूट करेगा, उसके बाद सेडिमेंटेशन, जो भी वहाँ पे सेडिमेंट वाटर बॉडी में आता है उसको सेटलमेंट कर देता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन सनलाइट, सनलाइट की वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है, ये सारा फोर्सेस क्या करेगा, एज सुन एज द स्वेज डिस्पोजल इन द वाटर बॉडी, एज सुन एज द स्वेज डिस्पोजल इन द वाटर बॉडी, दिस फोर्सेस, ये सब फोर्स काम करना शुरू कर देता है। तो क्या करेगा उसके बाद, ये सारा जो, ये एक्चुअली ये है, ये जो प्रोसेस है ये ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये करेगा स्वेज को जल्द से जल्द वाटर बॉडी से रिमूव कर देगा, ठीक है। रिमूव करके वाटर का जो ओरिजिनल कंडीशन है, प्योर वाटर है, उसमें ब्रिंग बैक टू दैट कंडीशन में रहेगा, ठीक है। ये जो दिस ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ द पोल्यूटेड वाटर इज ड्यू फोर्स इज कॉल्ड द सेल्फ प्यूरिफिकेशन पैनल। ये जो पोल्यूशन वाटर को, वाटर बॉडी का जो, ये जो कैपेसिटी है, ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, इसे कहते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन। एग्जाम में आता है व्हाट इज सेल्फ प्यूरिफिकेशन, ठीक है। उसका उसका और टेक्निकली अगर हम बोलेंगे, टेक्निकली आप डेफिनेशन उसमें उसको क्या है, द नेचुरल प्रोसेस, टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन, द नेचुरल प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन ऑफ वाटर, इन विच द ऑक्सीजन ऑफ वाटर ऑफ स्ट्रीम इज कंज्यूम्ड बाय स्वेज फॉर इट्स डिकम्पोजिशन एंड स्टेबिलाइजेशन एंड एट द सेम टाइम इट इज फिल्ड अगेन और रिप्लेसमेंट बाय एटमोस्फियर इज नोन एज सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। पहले जो स्वेज आएगा, स्वेज तो पहले वाटर को डिग्रेड करेगा, वहां पे डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो वाटर बॉडी का जो और भी बहुत सारी फोर्सेस है, ठीक है, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय एटमोस्फियर, दैट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन में क्या क्या प्रोसेस है, एक एक करके हम देखें। पहले तो डायल्यूशन डिस्पर्शन, सेकेंड है सेडिमेंटेशन, थर्ड है ऑक्सीडेशन, फोर्थ है रिडक्शन, फाइव सनलाइट, सिक्स वेलोसिटी ऑफ करंट, सेवन टेम्परेचर, एट बायोलॉजिकल फोर्स, नाइन टर्बुलेंस, टेन रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो 10 है ये है हमारा सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का वेरियस एक्शन, एक्शन फोर्सेस, वेरियस फोर्सेस। ये सारा प्रोसेस के ऊपर बेस करके कोई भी वाटर बॉडी अपने आप को उस डिग्रेडेशन कंडीशन से फ्रेश कंडीशन में लाएगा, ठीक है। क्लियर सबको, कोई डाउट किसी का बताओ। हाँ ठीक है। तो है पहले पहले जो पहले काम जो करता है वाटर बॉडी का, जो काम करता है एक्चुअली यहाँ पे जो जब भी कोई वाटर यहाँ पे डिस्पोजल करता है, दो दो काम एक साथ में चलता है। एक तो क्या है, जो स्वेज है, स्वेज डिस्पोजल होने के बाद वो डिग्रेडेशन होगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वाटर का, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। और दूसरी प्रोसेस है वाटर का अपने प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसमें क्या होगा, डीओ कंटेंट इंक्रीज करेगा। स्वेज क्या करेगा, डीओ कंटेंट डिक्रीज करेगा और वाटर बॉडी का जो भी वाटर है, नेचुरल जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, वो नेचुरल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो भी फोर्स है वो क्या करेगा, डीओ कंटेंट इंक्रीज करने के लिए फोर्स करेगा। तो उस टाइम बाद क्या करेगा, वो डिग्रेडेड कंडीशन से फ्रेश कंडीशन में आ जाएगा।
वाटर जो भी स्वेज वाटर रिवर वाटर है या वाटर बॉडी का वाटर है वो डिग्रेडेड कंडीशन से फ्रेश कंडीशन में आ जाए, और उसके लिए उसको यह पे जो फ्रेश कंडीशन के लाने के लिए ये सारा फोर्स, ये 10-11 जो फोर्सेस है ये फोर्स काम करते उसको हेल्प करते हैं, इसी प्रोसेस के जरिए वो फ्रेश कंडीशन में आते हैं। एक है डायल्यूशन डिस्पर्शन। डायल्यूशन डिस्पर्शन क्या है, व्हेन द फ्यूटिसेबल ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्पर्स इनटू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन द रिवर इट गेट रैपिडली डिस्पर्सड डायल्यूटेड। जब भी कोई स्वेज डिस्पोजल होता है वहां पे रैपिडली डायल्यूशन हो जाता है और डिस्पर्स हो जाता है। द एक्शन दस रिजल्ट इन डिमिनिशिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड रिड्यूस द पोटेंशियल न्यूसेंस ऑफ द स्वेज। इसमें क्या करेगा, जो लोड है लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। डायल्यूशन हो गया, डायल्यूशन जब हो जाएगा तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगा। ये है पहला फोर्स है सेल्फ इरिगेशन का, पहला प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। तो स्वेज के अंदर जो भी सेटलेबल सॉलिड है, जो भी सॉलिड होता है सेटलेबल सॉलिड होता है वो क्या करेगा, वाटर बॉडी का बॉटम में सेटल हो जाएगा, ठीक है। वाटर से रिमूव होकर नीचे जाके वाटर बॉडी का जो बॉटम है, रिवर का बॉटम है या उसमें नीचे जाके सेटल हो जाएगा और वाटर से रिमूव हो जाएगा। यह दूसरा प्रोसेस सेडिमेंटेशन। जैसे कि हम वाटर ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन प्रोसेस पढ़ा था, प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। वाटर से रिमूव कर देंगे जो सेटलेबल है, जो ठीक है वो सब रिमूव हो जाएंगे। यह है सेडिमेंटेशन। After that oxidation, ठीक है। The oxidation of the organic matter present in sewage effluent will start as soon as the sewage outfall into the river water containing dissolved oxygen. The deficiency of oxygen so created will be filled by the atmosphere oxygen. ठीक है, जब भी कोई sewage disposal होता है वो तो decompose होता है, oxidation होएगा, ठीक है। Oxidation होने के लिए जो oxygen, dissolved oxygen water के अंदर जो dissolved oxygen है वो वहाँ पे उसको utilize करेगा, और water क्या है, water और air contact period में रहता है तो एटमोस्फियर से जो ऑक्सीजन है वो फिर से वाटर में आकर डिजर्व कंडीशन में रह जाएगा। इसे कहते हैं रीएरेशन, ठीक है। जब भी वाटर बॉडी का डिजर्व ऑक्सीजन थोड़ा डिक्रीज होने लगेगा तो क्या करके एटमोस्फियर का जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर चला जाएगा और वाटर का डीओ कंटेंट इंक्रीज करेगा। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं रीएरेशन प्रोसेस, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जरिए ये जो स्वेज है स्वेज को वाटर बॉडी से रिमूव करेगा। यह है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसके बाद रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस क्या है, द रिडक्शन होगा ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर सेटल्ड एट द बॉटम आइदर केमिकली और बायोलॉजिकली, ठीक है। जो भी स्वेज ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर रिवर बॉटम में सेटल होगा वो केमिकली या बायोलॉजिकली हाइड्रोलाइसिस हो जाए। हाइड्रोलाइसिस होके उसको उसका जो वाटर बॉडी से रिमूव हो जाएगा। जैसे कि एनरोबिक बैक्टीरिया विल हेल्प इन स्प्लिटिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्वेज इनटू लिक्विड एंड गैस एंड दस पेविंग द वे फॉर देयर अल्टीमेट स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनरोबिक बैक्टीरिया भी काम करने क्योंकि नीचे का जो सेटल हो जाएगा, जो भी स्वेज सेटल हो जाएगा उसमें एनरोबिक कंडीशन क्रिएट होगा क्योंकि बॉटम में ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहता है, तो एनरोबिक जो बैक्टीरिया है उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाएगा, नॉन हार्मफुल फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है रिडक्शन प्रोसेस। आफ्टर दैट सनलाइट। सनलाइट भी काम करता है। द सनलाइट हैज ए ब्लीचिंग एंड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया। दिस आल्सो हेल्प्स सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म टू डेराइव एनर्जी फ्रॉम इट एंड कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू फूड फॉर अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, thus absorbing carbon dioxide and releasing oxygen by the process of photosynthesis, ठीक है। ये sunlight जो photosynthesis process है वो भी वहाँ पे काम करने लगते हैं, वो भी help करेगा self irrigation process में, ठीक है। sunlight अगर sunlight रहेगा तो उसको photosynthesis होगा, और sunlight क्या करेगा उसको भी क्या है, sunlight as a bleaching and stabilizing effect bacteria, कुछ bacteria sunlight की वजह से वो मर भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ करंट। वेलोसिटी ऑफ करंट वहाँ पे जो वाटर का वाटर बॉडी के थ्रू वाटर फ्लो होगा, हाई वेलोसिटी में फ्लो होगा। द नेचुरल वाटर नेचुरल सेल्फ इरिगेशन प्रोसेस ऑफ स्टीम डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द करंट ऑफ द वाटर। जो वेव करंट है, वेलोसिटी है, व्हेन देयर इज नो करंट द स्वेज मैटर डिस्पोजिटेड नियर द आउटफॉल कॉज फॉर्मेशन ऑफ स्लज टैंक एंड फॉल ऑर्डर।
अगर वाटर बॉडी में कोई स्टैग्नेशन वाटर है, वाटर मूवमेंट नहीं होगा तो क्या करेगा वहां पे, उसको प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर वाटर 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 बॉडी में वाटर वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या करेगा, जो भी स्वेज वहां पे डिस्पोज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वहां पे, ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं क्रिएट होगा वहां पे, ज्यादा अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट नहीं होगा। स्लो करंट आर बेटर फॉर सेल प्यूरिफिकेशन बिकॉज सेडिमेंटेशन टेक्स प्लेस एंड कॉज ग्रोथ ऑफ द एल्गी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन हैवी करंट द स्विच इज अल्टीमेटली मिक्स अप बाय द स्टीम एंड इवन ऑल मिशंस। ठीक है, तो इसीलिए स्टैग्नेशन वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर फ्लो होना चाहिए। किसी जो भी जिस वाटर बॉडी में हम डिस्कवर करेंगे वहां पे वाटर फ्लो होना चाहिए, अगर अदरवाइज क्या करेगा वो स्टैग्नेशन कंडीशन में वाटर बॉडी को जिस जगह पे डिस्पोजल होगा उसी पर्टिकुलर जगह पे उसको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा लोड आ जाएगा। आफ्टर दैट टेम्परेचर, टेम्परेचर तो डिपेंड करेगा, टेम्परेचर टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी केमिकल एक्टिविटी उसे डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, विच आर एनर्जी इन हायर टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर का ज्यादा होगा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी और केमिकल एक्टिविटी ज्यादा ज्यादा अमाउंट में होगा, अगर लोअर टेम्परेचर में एक्टिविटी कम होगा। ठीक है, दैट ऑल्सो द डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर इज बहुत बड़ा इफेक्ट। आफ्टर दैट बायोलॉजिकल फोर्सेस, बायोलॉजिकल फोर्सेस की वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया एल्गी प्रोटोजोआ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्यूरिफिकेशन। ठीक है, सेल प्यूरिफिकेशन ये जो बैक्टीरिया जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके वो फ्रेश कंडीशन में स्टेबल इन प्रोडक्ट में स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए बायोलॉजिकल फोर्सेस जो बैक्टीरिया एल्गी प्रोटोजोआ ये इसका ये सब वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। जैसे कि एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंपल सप्लाई ऑक्सीजन, एल्गी जो है वाटर में जो एल्गी रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है वो एल्गी एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। ठीक है, ये वाटर को वाटर रिप्लेसमेंट में ये काम ये बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद रेट ऑफ रिएरेशन, रिएरेशन मतलब एटमोस्फियर का जो ऑक्सीजन है वो वाटर वाटर में डिजॉल्व होकर डिजॉल्व ऑक्सीजन क्रिएट करेगा, रेट ऑफ रिएरेशन ज्यादा है तो सेल्फ प्यूरेशन प्रोसेस भी द रेट ऑफ रिएरेशन कंसिस्टेंटली गवर्न द सेल्फ प्यूरेशन प्रोसेस, द ग्रेटर द रेट वीकर द सेल्फ प्यूरेशन प्रोसेस एंड देयर इज नो चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनएरोबिक कंडीशन, अगर रेट ऑफ रिएरेशन ज्यादा रहेगा तो वहां पे एनएरोबिक कंडीशन ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। और उसके बाद है टर्बुलेंस, द टर्बुलेंस ऑफ द बॉडी हेल्प इन ब्रेकिंग द सरफेस ऑफ द स्टीम और लैक हेल्प इन रैपिड रिएरेशन। ठीक है, तो कोई कोई क्या है जब भी कोई स्वेज डिस्पर्स करेगा तो वाटर सरफेस में एक लेयर लेयर जनरेट हो जाता है। ठीक है, कोई बहुत सारे इलेमेंट है जैसे ऑयल ग्रीज का और भी बहुत सारे इलेमेंट का एक लेयर जनरेट हो जाता है, उस लेयर को ब्रेक करने के लिए टर्बुलेंस काम होता है, जब लेयर ब्रेक होगा तो वहां पर रिएरेशन ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, अगर कोई एयर और वाटर के बीच अगर कोई लेयर आ जाता है ना कोई, तो वहां पे रिएरेशन अच्छा से नहीं हो, और उस लेयर को अगर कोई ब्रेक कर देगा। ठीक है, जैसे कि ग्रीस का लेयर, ऑयल का लेयर, ठीक है, ये सब लेयर ब्रेक होने के बाद ही रिएक्शन होगा। ठीक है, तो उसके लिए टर्बुलेंस काम होता है। तो ये है सेल्फ प्यूरिफिकेशन का, व्हाट इज सेल्फ प्यूरिफिकेशन और व्हाट आर द फोर्सेस दैट हेल्प इन सेल्फ प्यूरिफिकेशन, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आप देखते हैं जोन ऑफ पोल्यूशन इन ए रिवर स्ट्रीम। ठीक है, जब भी कोई रिवर में हम डिस्पोजल कर रहे हैं उसमें डिस्पोजल पॉइंट के हिसाब से बहुत सारी जोन क्रिएट होता है। ठीक है, एक फिगर एक ड्राइंग के जरिए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। डिस्पोजल पॉइंट तो जहां पे हम स्वीज को डिस्पोजल करेंगे, ठीक है, उसको अलग अलग जोन में हम डिवाइड करेंगे।
पहले है क्लियर वाटर जोन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी। तो जब भी कोई सीरीज डिस्पोजल करेंगे उसका आपसी मेन जो है, मान लो ये एक डिस्पोजल पॉइंट है, तो डिस्पोजल पॉइंट का आपसी मेन में तो क्लियर वाटर रहेगा, ये आपसी मेन में, ये डाउन स्ट्रीम वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपसी मेन में क्लियर वाटर है, उसमें डीओ लेवल सेचुरेशन रहता है, 100% डीजल वॉक्सिंग रहता है। ठीक है, और डिस्पोजल पॉइंट का डाउन स्ट्रीम एंड में बहुत सारे जोन के रहे, एक है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, यहाँ पे जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोजिशन होगा। उसके बाद यहाँ पे इसी वजह से जोन ऑफ रिकवरी, डिकम्पोजिशन के बाद यहाँ पे वाटर क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे रीएरेशन ज्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए इसका कौन है, इसका इस जोन का नाम है जोन ऑफ रिकवरी, जो वाटर अपने प्रीवियस कंडीशन में, अपने फ्रेश कंडीशन में रिकवर हो रहा है, आफ्टर दैट जोन ऑफ क्लियर वाटर, रिकवर होने के बाद फ्रेश जो वाटर है, वाटर अपना फ्रेश कंडीशन में आ गया। ठीक है, दैट इज क्लियर वाटर जोन, डिग्रेडेशन जोन, एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन और जोन ऑफ रिकवरी। ठीक है, क्लियर वाटर में क्या है, क्लियर वाटर जोन में क्या है, क्लियर वाटर जोन में नो बॉटम स्लैश, नो कालर, यहाँ पे कोई कालर नहीं क्योंकि वहां पे फिर कंडीशन में रहता है। लेकिन जोन ऑफ डिग्रेडेशन जहाँ पे है वहां पे, यहाँ पे जोन ऑफ डिग्रेडेशन की डिस्पोजल के बाद डाउन स्ट्रीम एंड में है, वहाँ पे स्वेज डिस्पोजल हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लोटिंग सॉलिड रहेगा, इसका बॉटम में बहुत सारी ये सेडिमेंटेशन की वजह से बॉटम सारे स्लैश क्रिएट होगा। ठीक है, स्लैश क्रिएट होगा और यहाँ पे कालर गेटिंग टर्बाइड, या जो वाटर है टर्बाइड वाटर होगा जोन ऑफ डिग्रेडेशन। उसके बाद जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में तो और भी हालत बहुत ही खराब है, डार्क कंडीशन, जो वाटर वाटर का जो कलर होगा ना वो डार्क डार्क कलर होगा। ठीक है, और इसमें जो बहुत सारी मीथेन गैस, H2S गैस, बहुत सारी बैड स्मेल क्रिएटिंग गैस यहाँ भी इवॉल्व इवॉल्व होगा। ठीक है, ये इसका ज्यादा, ये जो जोन ऑफ एक्टिव कम्पोजिशन, इसका यहाँ पे वाटर क्वालिटी ज्यादा ही खराब है। ठीक है, और इसके डीओ लेवल बिल्कुल जो सेचुरेशन जो लेवल होना चाहिए 4 PPM से बहुत कम है। ठीक है, 40% या बिल्कुल नील भी हो सकता है, जीरो डीओ लेवल यहाँ पे जो एक्टिव डिकम्पोजिशन में है, इसके यहाँ पे डीओ लेवल, डीजल ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो है। डीजल डीजल ऑक्सीजन लेवल जीरो होगा तो वाटर क्वालिटी क्या होगा, तो अपने आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद उसका नेक्स्ट जोन में क्या आएगा, जोन ऑफ रिकवरी। ठीक है, इसमें क्या करेगा, जो रिएरेशन, रेट ऑफ रिएरेशन ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिग्रेडेशन, ये जो डीओ लेवल है यहाँ पे डीओ डीओ डिग्रेडेशन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इस जोन में डीओ डिग्रेडेशन ज्यादा है और रेट ऑफ रिएरेशन, तो रेट ऑफ रिएरेशन तो एक ही पोजिशन में रहेगा लेकिन डीओ डिग्रेडेशन ज्यादा है, लेकिन जोन ऑफ रिकवरी में डीओ डिग्रेडेशन कम है और रिकवरी रेट ज्यादा है, इसलिए इस नाम को कहते हैं जोन ऑफ रिकवरी। ठीक है, और इसमें टर्बाइड विद बॉटम स्लैश, बॉटम में कुछ स्लैश रहता है लेकिन वाटर क्वालिटी अपने आप रिकवर होने लग रहा है। ठीक है, वाटर क्वालिटी अच्छा होने लगती है और उसके बाद आपका क्लियर वाटर पूरा रिकवर हो जाएगा, वाटर का जो क्वालिटी है फ्रेश क्वालिटी है वो तो पूरा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिफरेंट जोन। जब भी हम कोई स्वेज वाटर स्वेज को डिस्पोजल करेंगे, डिस्पोजल पॉइंट से डाउन स्ट्रीम में ये सारा जोन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर, किसी का कोई डाउट है तो बताएं। और यहाँ पे हर एक जोन का मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया क्या क्या होता है, क्या क्या फेनोमेना होता है। ठीक है, एक बार पढ़ लोगी तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया डिस्पोजल इन रिवर, जिसमें सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है और वाटर वाटर इन वेलोसिटी, वाटर इन फ्लो कंडीशन में रहता है। अब देखते हैं डिस्पोजल इन लेक। ठीक है, लेक में डिस्पोजल नहीं होता तो अच्छा, क्योंकि लेक लेक का जो वाटर है वो स्टैग्नेंट वाटर है, उसमें ज्यादा वाटर फ्लो वेलोसिटी नहीं है, तो लेक लेक में वाटर डिस्पोजल ज्यादा स्वेज डिस्पोजल नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई अलग सोर्स नहीं है तो लेक में डिस्पोजल करना पड़ेगा।
डिस्पोजल ऑफ वाटर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर इन लेक्स, तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर जैसे मैंने बताया, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर इन लेक और रिजर्वर इज मच मोर हार्मफुल देन डिस्पोजल इन फ्लोइंग स्ट्रीम, ठीक है, डिस्पोजल इन रिवर से डिस्पोजल इन जो लेक है उसमें बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि मेन रीजन है लेक में जो वाटर है वो स्टैग्नेशन कंडीशन में रहता है, उसमें फ्लो नहीं है, ठीक है। फॉस्फोरस विच सीरियसली इफेक्ट द वाटर क्वालिटी ऑफ लेक, अगर कोई स्वेज में अगर फॉस्फोरस कंटेंट रहता है, फॉस्फोरस कंटेंट रहता है वो सीरियसली इफेक्ट करेगा, ठीक है। यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक, ठीक है, यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ा है ना, किसी ने पढ़ा है यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक 10th या 9 या 10th में पढ़ाया होगा एनवायरमेंट में, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक, किसी को याद है क्या है यूट्रोफिकेशन? हिंदी में क्या कहेंगे सर इसे? यूट्रोफिकेशन ये टेक्निकल टर्म है, इसका हिंदी टर्म तो नहीं है, ये लेक लेक में जो है डिपेंड यूट्रोफिकेशन है, एक एक करके हम बताएंगे, तो जस्ट आइडिया हो तो अच्छा होगा, ठीक कोई बात नहीं। तो सर फॉस्फोरस विच इज सीरियसली अफेक्ट द वाटर क्वालिटी ऑफ लेक इज कंसीडर्ड द प्राइम लेक पोल्यूटेंट, लेक का जो पोल्यूटेंट है तो फॉस्फोरस नहीं होना चाहिए, पहली बात है, अगर फॉस्फोरस कंटेंट रहेगा तो लेक में बहुत सारी लेक का लेक के लिए बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट मे बी फ्रॉम अदर इम्पोर्टेंट लेक पोल्यूटेंट, द टॉक्सिक एलिमेंट द टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मे ऑल्सो समटाइम एडवर्सली इफेक्ट सम स्पेशल केस ऑफ लेक, फॉस्फोरस कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक पोल्यूटेंट, ठीक है, एंड नीड स्पेशल स्टडी इन वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इन लेक। तो लेक के लिए जो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट है, हाँ पढ़ेंगे, फॉस्फोरस क्या इफेक्ट करेगा वो हम धीमे धीमे पढ़ेंगे, क्या उसके लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फॉस्फोरस इज ए प्राइम पोल्यूटेंट और इसीलिए लेक का जो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो उसके लिए अलग प्रोसेस है, ठीक है, अलग गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग गाइडलाइन है, ठीक है। तो लेक वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ लेक, लेक के लिए थोड़ा बहुत डिपेंड है, और लेक के बारे में पहले आप देख लेते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक, लेक का जो वाटर है वाटर स्ट्रेटिफाइड कंडीशन में रहता है, समर कंडीशन और विंटर कंडीशन, ठीक है। तो वो थोड़ा क्या स्ट्रेटिफिकेशन में क्या क्या रहता है, बहुत सारे जोन है, जैसे कि लेक का वाटर 3 जोन में हम डिवाइड करते हैं, जो लेक का जो वाटर लेयर है पहले है इपिलिमनियम जोन, उसके बाद है थर्मोलिमनियम जोन, उसके बाद है हाइपोलिमनियम जोन, ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक। और विंटर कंडीशन में क्या क्या रहता है, लेक का जो सरफेस में है, सरफेस में विंटर कंडीशन, विंटर जो है सरफेस में बर्फ रहता है, आइस कंडीशन, आइस बन जाता है, लेकिन उसके नीचे वाटर रहता है, ठीक है, थर्मोलिमनियम जोन, हाइपोलिमनियम जोन, तो 3 जोन है, इपिलिमनियम जोन, थर्मोलिमनियम जोन, हाइपोलिमनियम जोन, ये स्ट्रेटिफाइड कंडीशन, अलग अलग लेयर में वाटर रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लो तो नहीं है, वाटर का कोई वेलोसिटी नहीं है, स्टैटिक स्टैग्नेशन होता है वाटर का, ठीक है। तो अलग अलग जोन, जैसे कि इपिलिमनियम जोन में थोड़ा वार्म एरोबिक ऑयल मिक्स, ठीक है, एरोबिक कंडीशन में रहता है, ऊपर का जो विंड के वजह से थोड़ा बहुत मिक्सर होता है, ठीक है, इपिलिमनियम जोन है, उसके बाद थर्मोलिमनियम जोन, उसके बाद मेटालिमनियम जोन, मेटालिमनियम जोन में तो एनारोबिक कंडीशन है और वाटर जो है वाटर थोड़ा ठंडे वाटर है, ठीक है, पोअरली मिक्स है, और नीचे का जो वाटर है जो हाइपोलिमनियम जोन का जो वाटर है वो ज़्यादा मिक्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टर्बुलेंस होता ही नहीं है, लेक बॉटम का जो वाटर है। तो समर सीजन विंटर सीजन के, जैसे कि समर सीजन में ड्यूरिंग समर सीजन द सरफेस वाटर ऑफ द लेक गेट हीटेड अप बाय सनलाइट एंड वार्म एयर, समर कंडीशन में क्या होता है जो सरफेस वाटर है ऊपर का वाटर थोड़ा गर्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है दिस वार्म वाटर बीइंग लाइटर रिमेन इन अपर लेयर नियर द सरफेस अंटिल मिक्स डाउनवर्ड बाय टर्बुलेंस फ्रॉम विंड वेव बोट और अदर फोर्सेस, सिंस सच टर्बुलेंस एक्सटेंड ओनली टू ए लिमिटेड डेप्थ from the water surface, the top layer of water in the lake become oil mixed and aerobic condition.
दिस ऑर्मर वेल मिक्स एंड एरोबिक डेप्थ इज नॉन इफिलिमियन जोन. जो इफिलिमियन जोन में जनरली वाटर ऑर्मर कंडीशन में रहता है, जनरली थोड़ा हॉट हॉट वाटर वहाँ पे रहता है विथ रेस्पेक्ट टू अदर जोन, ठीक है, और थोड़ा मिक्स है, वेल मिक्स है वहाँ पे. ऐसा नहीं है कि टॉप टॉप वाटर में ज्यादा हीट है और उसी जोन में जो इफिलिमियन जोन में, इफिलिमियन जोन में वेल मिक्स है, पूरा का पूरा वाटर का टेम्परेचर लगभग सेम ही रहता है, ठीक है. उसके बाद द लोअर डेप्थ विच रिमेन कूलर पुअरली मिक्स एंड एनारोबिक, दिस इज नोन एज हाइपोलिमियन जोन. एकदम लेक का बॉटम में जो है वो है हाइपोलिमियन जोन. हाइपोलिमियन जोन में मिक्सिंग ज्यादा नहीं होता क्योंकि वहां पर टर्बुलेंस नहीं होगा, ठीक है. लेक में जनरल टर्बुलेंस किसी के वजह से होता है, विंड के वजह से होता है, कोई बोट बोट फ्लो हो रहा है उसके वजह से होता है, और तो ज्यादा नहीं है. लेकिन लेक का बॉटम का जो वाटर है, बॉटम का वाटर में टर्बुलेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है. और वाटर जो थोड़ा कूल कंडीशन में रहता है, ठंडे वाटर है, बॉटम वाटर ठंडे रहता है. गर्मी में टाइम में कोई अगर कुआ में, ठीक है, कोई तालाब में अगर नहाने जा रहा है तो उसमें देखोगे ऊपर का जो वाटर है गर्मी में टाइम में, ये डिफरेंस अपने आप देख पाओगे. ऊपर का जो वाटर है थोड़ा हॉट वाटर है और बॉटम का जो वाटर है थोड़ा कोल्ड वाटर है. इसीलिए जो लेयर वाटर का जो लेयर बन जाता है उसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन. किसी ने नहाया है तालाब में, कुआ में नहाया है, किसी का एक्सपीरियंस है ऐसा? अच्छा, द डेप्थ ऑफ इपिलिमियन जोन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द लेक फॉर सेम टेम्परेचर, इट मे बी वेरी फ्रॉम 1 टू 20 मीटर, ठीक है. तो ये जो अलग अलग जोन का डेप्थ है वो लेक का डेप्थ के ऊपर डिपेंड करे. सिमिलरली विंटर सीजन में और एक स्ट्रेटिफिकेशन है. विंटर सीजन में जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ऊपर का वाटर बर्फ हो जाता है और नीचे का जो वाटर रहता है, इसलिए जो लेक में जो 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 भी रहता है एक्वाटिक प्लांट रहता है, एक्वाटिक लाइफ रहता है, वो जीवित रहता है, ठीक है. क्योंकि वाटर का जो ये है मैक्सिमम डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, मैक्सिमम डेंसिटी होता है. ये जो वाटर का जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी वजह से विंटर सीजन में लेक में एक्वाटिक लाइफ जीवित रहता है, ठीक है. क्योंकि जो बर्फ हो जाता है ऊपर, बर्फ ऊपर में होता है और नीचे का जो वाटर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, इसलिए उसका वेट ज्यादा होता है. वेट ज्यादा होने की वजह से वो नीचे तो हाइपोलिमियन जोन में चला जाता है. लेकिन अगर वाटर वाटर टेम्परेचर अगर 4 डिग्री से कम है तो थोड़ा लाइट है, डेंसिटी थोड़ा लाइट है, तो वो क्या करेगा, इपिलिमियन जोन के ऊपर रेस्ट करेगा. उसके ऊपर और भी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, 0 डिग्री में आएगा तो ऊपर रहेगा. इसलिए ऊपर का जो वाटर है वो बर्फ बन जाता है और नीचे का जो वाटर है बर्फ नहीं होगा, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है. ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन लेक में, ठीक है. तो ये होगा स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक. अब देखते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक. ये जो लेक का क्लासिफिकेशन है, जैसे कि ओलिगोट्रोपिक लेक, मेसोट्रोपिक लेक, इयोट्रोपिक लेक और सेंसेंट लेक. तो आप देखते हैं प्रोडक्टिविटी क्या है. द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए लेक इज डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट ए फूड सेम, ठीक है. एक फूड सेम क्रिएट होगा, उसमें जो एबिलिटी है किसी की लेक का, जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक इज डिफाइंड एबिलिटी टू सपोर्ट ए फूड सेम. जो किसी भी लेक का जो एबिलिटी है फूड सेम को सपोर्ट करने की जो एबिलिटी है उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है. तो सिंस एल्गी फॉर्म द बेस ऑफ दिस फूड चेन व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द अदर फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू थ्राइव, इट प्रेजेंस मेजर द लेक प्रोडक्टिविटी. लेक प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए जो एल्गी प्रेजेंट है वो थोड़ा मेजर करेगा, ठीक है. द क्वालिटी ऑफ मोर प्रोडक्टिव लेक विल बी रिड्यूस, दस अनडिजायरेबल चेंजेस दैट ऑकर इन द एल्गी ग्रोथ इंक्रीज, ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इट्स प्रोडक्टिविटी द लेक मे बी क्लासिफाइड ऑलिगोट्रोपिक लेक, मेसोट्रोपिक लेक, इयोट्रोपिक लेक और सेंसेंट लेक, ठीक है. तो ऑलिगोट्रोपिक, इसका अलग अलग डेफिनेशन है. ऑलिगोट्रोपिक क्या है, ऑलिगोट्रोपिक लेक है लो प्रोडक्टिव लेवल, ठीक है, ड्यू टू सेवियरली लिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है. ऑलिगोट्रोपिक टाइप में न्यूट्रिएंट सप्लाई बहुत कम होता है, ठीक है, टू सपोर्ट द एल्गी ग्रोथ. जो एल्गी है एल्गी ग्रोथ थोड़ा कम है. द
वाटर ऑफ दिस सास लेक इज क्लियर, ठीक है, वो बहुत ही फ्रेश कंडीशन में है, ये जो ऑलिगोट्रोपिक लेक। और दूसरी दूसरी है, सेकंड कंडीशन है मेसोट्रोपिक लेक। मेसोट्रोपिक लेक में प्रोडक्टिव जो लेवल है वो मीडियम कंडीशन में होता है, ठीक है, और इसका जो है मीडियम ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड टारबिटेर क्लासिफाइड एज मेसोट्रोपिक लेक। उसके बाद है यूट्रोपिक लेक। यूट्रोपिक लेक में प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा होता है, ठीक है, यूट्रोपिक लेक डू हैव हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द एबंडेंट सप्लाई ऑफ एल्गी न्यूट्रिएंट। जो फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट जो है, फॉस्फोरस ओनली न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट क्या है, एल्गी जो ग्रोथ है, एल्गी ग्रोथ को सपोर्ट करें। द फ्लोरिशमेंट ग्रोथ ऑफ एल्गी मे मेक द वाटर लेक टू हाईली टर्बाइड। ये जो यूट्रोपिक लेक का जो वाटर है वो हाईली टर्बाइड कंडीशन है, ठीक है। एज द एल्गी डाई दे सेटल टू द लेक बॉटम वेयर दे आर डिकम्पोज बाय ऑर्गेनिज्म एंड सफिशियंट डेप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस इन दिस टाइप ऑफ लेक, ठीक है। ये हाईली प्रोडक्टिव लेक है और इसमें टर्बिडिटी ज्यादा है, ठीक है। एल्गी वहां पे सेटल हो जाएगा, नीचे एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो यह है लेक को थोड़ा एंड स्टेज में, यह है यंग कंडीशन में है। लेक का यंग कंडीशन जो है वो है ऑलिगोट्रोपिक मेसोट्रोपिक, और यह है यूट्रोपिक जो लेक है वो यूट्रोपिक लेक है डेड कंडीशन में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूट्रोपिक लेक के बाद जो लेक है सेंसिन कंडीशन। दिस आर ओल्ड शैलो लेक हैविंग थिक ऑर्गेनिक सेडिमेंट डिपोजिट अंडर बॉटम, ठीक है, और बहुत सारी प्लांट वहां पे ग्रो होगा, ठीक है। तो ये है सेंसिन लेक, फोर्थ टाइप ऑफ लेक। तो पहले दो जो है वो ठीक है, लेकिन यूट्रोपिक लेक में हाई प्रोडक्टिव है, एल्गी ग्रोथ ज्यादा है, बहुत एक्वाटिक प्लांट क्रिएट होगा, ठीक है, नीचे बहुत सारी सेटलमेंट हो जाएगा, एल्गी जो है एल्गी डाई होगा, नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, और वाटर क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाएगी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेक। इसलिए जब भी हम सीएस को डिस्पोजल करेंगे तो हम देख लेंगे जो जिस लेक में हम डिस्पोजल करेंगे वो कौन सी कंडीशन में है, तो जो सीएस का जो लोड है वो लोड को ले पाएगा कि नहीं। यूट्रोपिक लेक पे तो बिल्कुल नहीं ले पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी डेड कंडीशन में है, अगर हम उसमें अगर दोबारा सीएस को डाल देंगे तो वो तो और बहुत जल्दी वो डेड कंडीशन में चला जाएगा। तो व्हाट इज यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक, यूट्रोफिकेशन लेक का जो प्रोसेस है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है, एक प्रोसेस ऐसे बताया, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीड्यूर है। यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक एंड रिजर्वॉयर इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एगिंग ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है। यूट्रोफिकेशन कैसे, यूट्रोफिकेशन कैसे होता है, इट कॉज्ड बाय द ग्रेजुअल एक्युमुलेशन ऑफ सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द लेक। यंग कंडीशन में लेक में अगर हम मान लो कोई ऑलिगोट्रोपिक लेक है, फ्रेश लेक है, उसमें अगर हम स्वेज को डिस्पोजल करेंगे तो पहले क्या होगा, जो सील्ड और ऑर्गेनिक जो मैटर है वो लेक में सेटल होगा बॉटम में जाएगा। ये यंग लेक इज कैरेक्टराइज बाय लो न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड लो प्लांट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सास ऑलिगोट्रोपिक लेक, ठीक है, यंग लेक ऑलिगोट्रोपिक लेक ग्रेजुअली एक्वायर न्यूट्रिएंट from their drainage basin and enable increase aquatic growth, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे सीएस डिस्पोजल करेंगे या जो drainage basin से न्यूट्रिएंट आता है जैसे कि फॉस्फोरस है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट है जो क्या करेगा, प्लांट ग्रोथ और एल्गी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। इसीलिए मैंने बताया फॉस्फोरस इज बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट, क्योंकि फॉस्फोरस क्या करेगा, ये एल्गी ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। ये ज्यादा अमाउंट ऑफ एल्गी ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ अगर होगा ओवर टाइम, द इंक्रीज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कॉज द वाटर टू बिकम मार्की एंड विथ फाइटोप्लांकटन, बहुत सारी फाइटोप्लांकटन है, ठीक है, वाटर क्वालिटी व्हाइल डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर डिप्लीट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होगा और ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा, फाइटोप्लांकटन है, ठीक है। ये सारा जो प्रोसेस पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो लैक को यूट्रोपिक कंडीशन में ले जाए, ठीक है। उसके बाद धीमे धीमे उसको डेड हो जाए, ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक। क्लियर सबको, किसी का कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ सी वाटर, हम सी वाटर को डिस्पोजल कर सकते हैं, एक बार देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट थोड़ा बहुत गाइडलाइन है।
जब भी डिस्पोजल पढ़ेंगे थोड़ा बहुत गाइडलाइन यह देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं जस्ट थियोरेटिकल, एक बार रिवाइज एक बार जस्ट देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं डिस्पोजल इन लैंड, ठीक है, लास्ट डिस्पोजल प्रोसेस है वो है लैंड डिस्पोजल। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, लैंड डिस्पोजल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक इतना ही, डिस्पोजल ऑफ सी वाटर, डिस्पोजल ऑफ स्वेज इन सी वाटर इतने तक ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्वेज डिस्पोजल ऑन लैंड। ठीक है।